वेलकम टू cagurujiclasses.com। आज इस वीडियो में जानेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटी एनुअल रिटर्न किसे फाइल करनी है किसे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी एग्जाम्पशन लिमिट अनाउंस कर दी है। एग्जाम्पशन लिमिट आने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी भी चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में सारी डिस्कशन करेंगे। साथ ही इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाहूंगी, मैं ये वीडियो बना रही हूँ अगस्त 2023 में। नोट करिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटी 1 या 3B को भरते हुए अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप उसे 30 नवंबर 2023 तक ठीक कर सकते हैं, अपनी जो आपकी रिटर्न्स हैं अगस्त की, सितंबर मंथ की एंड अक्टूबर मंथ की, यानी कि 30 नवंबर तक का गवर्नमेंट ने पीरियड दे दिया है, इस डेट तक आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स में फाइनेंशियल ईयर 22-23 की करेक्शंस कर पाओगे। तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, अपने सारे रिकंसिलेशंस कर लो। कुछ पर्सन को रिकंसिलेशन करना नहीं आता तो उसका हमारे पास कोर्स है रिकंसिलेशन का, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे cagurujiclasses.com पे अवेलेबल है। स्क्रीन पे भी आपको डिटेल्स दिख रही है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। साथ ही बहुत सारे पर्सन एनुअल रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे भरनी है, जीएसटी 9C अगर आपके वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, उस केसेस में कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। स्क्रीन पे आपको डिटेल दिख रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, और इनके बारे में डिटेल में वीडियो के एंड में मैं डिस्कशन करूंगी। मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेशन आपसे चाहिए, इसके लिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी 9 की फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एग्जाम्पशन की टर्नओवर लिमिट अनाउंस कर दी है, और लेट फीस भी अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 से जीएसटी 9 पे नई एप्लीकेबल हो गई है। ये आर्टिकल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, लेट फीस क्या है, इसे आप रीड करना चाहें या किसी के साथ शेयर करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, शेयर आप यहां से भी कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पे जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ने जो एग्जाम्पशन दी है जीएसटी 9 के लिए वो है, अगर आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2 करोड़ तक है तो आपको जीएसटी 9 भरना बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। आपकी मर्जी है, आप खुद फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने आपको एग्जाम्पशन दे दी है, सीक्स टू एग्जाम्प्ट द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे यूज हो रही है, इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अप टू 2 करोड़। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन रेफर करनी है नंबर 32/2023, 31 जुलाई को रिलीज करी गई थी, इसको डाउनलोड आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे ही गवर्नमेंट आपके साथ शेयर करती रहती है इंपॉर्टेंट अपडेट्स, उसमें भी उन्होंने ये नोटिफाई कर दिया। तो आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी कि किन पर्सन को अब जीएसटी 9 फाइल नहीं करनी है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है 2 करोड़ तक। बट जरा रुकिए, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटी 1 या 3B को भरते हुए मिस्टेक्स हुई थी तो आप एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करना, या अभी तक 3B और 1 के रिकंसिलेशन नहीं किए हैं आपने, जीएसटी 2A 2B का रिकंसिलेशन नहीं किया है, बुक्स के साथ रिकंसिलेशन नहीं किए हैं, तो पहले रिकंसिलेशन करो। मैं अगस्त में ये वीडियो बना रही हूँ, 30 नवंबर 2023 तक आपके पास मौका है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की गलतियों को, जो आप रिटर्न भर रहे हो 23-24 में, उनके साथ करेक्ट करने का। और अगर ऐसी करेक्शन करो फिर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न जरूर भरना। क्यों मैं ऐसे आपको सजेस्ट कर रही हूँ, वेदर आपके लिए एग्जाम्प्ट है फिर भी आप भरना, क्यों मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आप जीएसटी पोर्टल पे जाओगे जीएसटी 9 फाइलिंग के लिए, वहां पर आपको एक ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटी एनुअल रिटर्न दिखती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें काफी सारा डेटा ऑटोफिल होता है। वो डेटा ऑटोफिल कहां से आता है, आपने जो पूरे साल में जीएसटी 1 और 3B भरी होती है और जीएसटी 2B में या 2A में आपका जितना ITC आ रहा होता है उसके बेस पे वो ऑटोफिल होती है। अगर आप अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करते हो क्योंकि आपके लिए एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे 2 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए जो एग्जाम्पशन दी है, इसकी वजह से मान लीजिए आपने फाइल नहीं करी पर आपकी बहुत सारी गलतियां थी, उन्हें आप 30 नवंबर तक ठीक भी कर चुके हैं बट आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी, तो आपकी जो वो ऑटोफिल जीएसटी एनुअल रिटर्न है ना वो फाइनल मान ली जाएगी। जी हाँ, उसी को यूज करेंगे जीएसटी ऑफिसर्स आगे आपकी असेसमेंट स्क्रूटनी करने के लिए, और आपके पास अगर आपकी गलतियां हैं, मिसमैच है, तो नोटिस भी आ सकता है। अगर आपका ऐसा सिनेरियो है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जीएसटी 1 3B में बहुत ही स्मूथ आपने फाइल करी है, कोई रिकंसिलेशन इश्यूज नहीं है, तो फिर आप टोटली टेंशन फ्री हो सकते हैं, आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने लिखा था कि मैं आपको बताऊंगी किसे फाइल करनी है किसे नहीं, तो 2 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा की टर्नओवर के लिए मैंडेटरी है फाइल करना, और क्या आपको एग्जाम्प्शन के बावजूद भी इसे फाइल करना चाहिए या नहीं, वो आंसर भी मैंने आपको दे दिया।
अगर गलतियां हैं तो यस, मैं सजेस्ट करूंगी आप एनुअल रिटर्न को जरूर फाइल करें। साथ ही एनुअल रिटर्न की लेट फीस में भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 के थ्रू चेंज किया था। इसको भी डाउनलोड करने का लिंक मैंने यहीं पे दिया हुआ है इस आर्टिकल में। ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है लेट फीस 50 रुपीज पर डे है अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगी, और ये है मैक्सिमम लिमिट। ये दोनों को मिला के CGST प्लस SGST, 5 से 20 करोड़ टर्नओवर है तो 100 रुपीज पर डे, और अबव 20 करोड़ है तो 200 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम लिमिट भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं आपके लिए, इसीलिए आप इन्हें खुद भी पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, और भी पर्सन के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप तो होगा ही, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए मेरे साथ, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहां भी आप इंटरेस्टेड हैं, जितनी भी ऐप्स आपके मोबाइल में हैं, सब पर से आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो जाइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। और एनुअल रिटर्न आपकी बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है GST की, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इसके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है, यही इस आर्टिकल में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है। इसमें डिटेल में आपको सिखाया है कैसे आप स्पिल ओवर इफेक्ट्स, कैसे आप डेबिट क्रेडिट नोट के इम्पैक्ट्स, कैसे आपने जो गलतियां 21-22 की 22-23 में सही करी, 22-23 की 23-24 में सही करी, कैसे दिखानी है, कोई ITC लेना रह गया, कोई ITC रिवर्स करना रह गया, लाइबिलिटी मिसमैच है, जो भी चीजें हैं सारी इस कोर्स में कवर करी गई हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी आप कोर्स पे पहुंच सकते हैं, या फिर आप विजिट करें CAGuruji Classes.com को। यहाँ पे आपको कोर्सेज सेक्शन, कॉम्बो कोर्सेज, और जो आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट है ना, वो भी यहीं पर लिंक है टेक्स्ट अपडेट्स के नाम से, यहाँ भी आप पहुंच सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज इसी वेब पेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर भी आपको अवेलेबल मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्बोज भी अवेलेबल करा रखे हैं यहाँ हमने। और अगर आप कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, एनुअल रिटर्न वाला कोर्स पे अगर आपको जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करना लिमिटेड टाइम वैलिडिटी कोर्सेज में, क्योंकि 996 की वैलिडिटी लिमिटेड है, तो ये कोर्स आपको यहाँ पर दिखेगा। आप इस पे क्लिक करना, इसमें जो भी कोर्स कवरेज है अच्छे से चेक करना, पूरी कोर्स कवरेज को रीड करना, हमने क्या क्या इसमें कवर करा है। अगर आप सेटिस्फाई हो, आपको लगे यस दिस कोर्स कैन सोल्व माय पर्पस, मैं अच्छे से एनुअल रिटर्न फाइल कर लूंगा, 9C फाइल कर लूंगा, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करें और इसे बाय कर ले। यहीं पर लॉगिन बनाकर आप यहां पर इसे कोर्स को आपका बाय करते ही एक्टिव हो जाएगा, और आप उसे देख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे GSTR 9 and 9C। इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर भी जरूर करें। अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट CAGuruji Classes.com पे जो हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे विजिट करें, ब्राउजर में टाइप करें CAGuruji Classes.com, यही वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कोर्सेज की, अब कोर्सेज सेक्शन में आके समझ लीजिए हमारे दो तरीके से कोर्सेज एक्टिव हैं यहाँ पे। एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है, ये वाले लाइफ टाइम वैलिडिटी के हैं जिन पर ये वाले थंबनेल्स लगे हैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिखेंगे लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, कुछ पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि एक बार कोर्स ले लिया तो हम अपनी मर्जी से जब मर्जी देख सकते हैं, तो उनके लिए हमने लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। और कुछ पर्सन होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो मैं जल्दी ही अपने कोर्स पूरे कर लूँगा, मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसे सीख कर जल्दी नॉलेज लेके मैं फ्यूचर में ग्रो करूँगा। तो आपके लिए दोनों ही तरीके से हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिए। हमारे कोर्सेज हैं कौन कौन से, इनकम टैक्स, ITR and TDS का कोर्स, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS and TCS, अकाउंटिंग विद टेलीप्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन GST 9, 9C, और इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन और TDS ऑन प्रॉपर्टी, वो सिर्फ लाइफ टाइम में ही हमने प्रोवाइड करे हैं। तो ये दोनों टैब्स आप जरूर ओपन करके देखना, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसको बाय करना। थोड़ा बहुत वैलिडिटी की वजह से प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप हमारे कोर्सेज लेंगे, आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक बेनिफिट देगा। आप सोचिए, आप कॉलेज में जाते हो 3-3 साल, आजकल तो 4 साल तक आप कॉलेज करते हो, है ना, 4 साल आप उसमें लगा देते हो, ठीक है, इतने सारे पैसे भी लगाते हो, वहाँ पे जाते भी हो, जाने आने में भी आपका जो है टाइम लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पर आप क्विकली इन कोर्सेज को लेकर अपनी नॉलेज को एनहांस एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ही के लिए हमने ये कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं। कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं, अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, प्रो अकाउंटेंट बन सकते हैं, टेली प्राइम के साथ है ये कोर्स। TDS एंड TCS अपने आप में अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है, प्रो लेवल की TDS एंड TCS कंसल्टेंसी सीखने के लिए, रिटर्न सीखने के लिए, करेक्शन सीखने के लिए ये कोर्स आप ज्वाइन करें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, मुझे पता है बैलेंस शीट बनानी तो आप सभी को आती है, आप क्या करते हो टैली में अकाउंटिंग करते हो, उसमें से फिर आपका ट्रायल निकल आता है एक्सेल में, एक्सेल में ट्रायल निकलता है, तो आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना रखे, आप एक एक करके लिंक करते हो। एक एक करके लिंक नहीं करना, ऑटोमेशन करनी है, ताकि आपका क्लाइंट आपके सामने चाहे रोज आ जाए, 5 ही मिनट में आप उसे बैलेंस शीट बना के दे दोगे। आप अपने स्टाफ को लगा के रखते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिला दो यार, इतना
सारे डिफरेंस आ रहा है, कहीं कहीं दिन लग जाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में, 5 ही मिनट में आपका ऑटोमेशन से ये काम पॉसिबल है। तो इसमें आपको बैलेंस शीट ऑटोमेट करना सिखाया जा रहा है, बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया जा रहा, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना कि कैसे ट्रायल निकलते ही आप उसमें से अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो। जीएसटी का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, इनकम टैक्स आईडीआर एंड टीडीएस आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। रिकंसिलेशन जीएसटी में बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 तरह के रिकंसिलेशन के कोर्स हैं, सिर्फ 2B रिकंसिलेशन और 2B के साथ 3B की फाइलिंग, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि बहुत सारे पर्सन खुद के बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर करें और इसका बेनिफिट ले। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता, प्रॉपर्टी पे अवेयरनेस नहीं होती कि टीडीएस भी लगता है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एनआरआई से अगर आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तब भी एप्लीकेबल है, उसके प्रोविजन अलग है, तो इसको मैंने अलग कर रखा है। अगर आप सिर्फ टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी देखना चाहें, सीखना चाहें, तो आप इस कोर्स को लें। ये थे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज, और लिमिटेड टाइम वैलिडिटी कोर्सेज पे आएंगे, तो कोर्सेज तो वही हैं, बस वैलिडिटी कम है, जैसे यहाँ पे लिखा है हर एक कोर्स के लिए कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी। और 99C का कोर्स लिमिटेड वैलिडिटी में ही अवेलेबल है, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल ये नहीं है। 22-23 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, उसी के हिसाब से प्राइजेस हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं बस उस कोर्स पे क्लिक करें, क्लिक करके उसका कवरेज वगैरह देख लें और बस उसे ऐड टू कार्ट करके और फिर आप पे करके इन कोर्सेज को यहीं लॉगिन में डैशबोर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा, यहीं से देख पाओगे। दिस आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आपको हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप इस पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाती है। फिर भी आपको लगता है कि आपकी क्वेरी अभी और रह गई है तो आप फिर से पूछ सकते हैं और फिर आप कॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। तो आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें, मैं फिर से बता रही हूँ कि कोर्सेज, बहुत से पर्सन को ये लगता तो है हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे पर्सन ना इससे खफा हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं कि ये तो सारा दिन अपने कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम आपको अवेयर ही नहीं करेंगे कि हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या कोर्स बनाने का, जब हम आपके लिए उन्हें प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, आपको यही नहीं कि बता सकते कि हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो उन कोर्सेज का फ़ायदा ही क्या होगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसका बेनिफिट ले, वो बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रो लेवल के पर्सन अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो काम पहले, जो चीज़ें आप पहले सीखने में 6-6 महीने 1-1 साल लगा दिया करते थे, अब आपको आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होने लगी हैं, और बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कवरेज करी है हर एक कोर्स में। तो कोर्स में पैसा लगाना, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, लर्न करोगे, जितना लर्न करते जाओगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। तो टू अचीव समथिंग हमारे कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।